सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ने अर्जुन ने एक आखिरी यदुवंशी को बचाया। हम जानते हैं कि गांधारी के शाप के कारण भगवान श्री कृष्ण के पूरे यदुकुल का नाश हो गया। आपस में सभी यादव लड़ के मर गए। मौसुल युद्ध के कारण एक भी यादव नहीं बचा, यानी कि भगवान कृष्ण के परिवार का। जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपने देह का त्याग किया, उसके बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने लगी। उस समय अर्जुन वहां पे पहुंचे थे सहायता करने के लिए। द्वारिका नगरी की कुछ स्त्रियां बची थी, कुछ बच्चे थे और कुछ बूढ़े थे। इन सभी को लेकर अर्जुन कुरुक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। मार्ग में उन्हें बहुत सारी बाधाएं भी आती है, कई लुटेरे उनके ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन अर्जुन कुछ कर नहीं पाते। उस समय जब महर्षि वेदव्यास से अर्जुन पूछते हैं कि मेरे अस्त्र शस्त्र भी काम क्यों नहीं कर रहे, वेदव्यास कहते हैं कि तुम्हारे पास जितनी भी शक्तियाँ थी, जितने भी अस्त्र थे, सभी अपने अपने जगह पर चले गए, क्योंकि तुम्हारे अस्त्र शस्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी, जो तुम्हें दिए गए थे, उसका एक उद्देश्य था, जो उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका है। संसार में शक्तियाँ जिसके भी पास होती है, कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती। अर्जुन समझ जाते हैं कि उनकी शक्तियाँ क्यों काम नहीं कर रही, और बाद में वो सब लोग यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जब वो युधिष्ठिर को जाके बताते हैं, तो अभी भगवान श्री कृष्ण के परिवार का सिर्फ एक ही यदु बचा था जो अर्जुन ने बचाया था। वो थे भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र, जिसका नाम था वज्र। वज्र का नाम कई कई जगह पे वज्र नाम भी लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण के मरने के बाद उनके जितने भी पत्नियां थी, रुक्मणी, जो उनकी मुख्य पत्नियों का नाम आता है, रुक्मणी, शैव्या, हेमवती, जामवती, ये सभी अग्नि में प्रवेश कर गई। बाकी की जितनी भी उनकी रानियां थी बची हुई, सभी या तो अग्नि में प्रवेश कर जाती है या तो फिर वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है। अभी अर्जुन गए सभी को लेके इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जाने के बाद सभी जो बूढ़े बचे थे, जो बच्चे बचे थे, स्त्रियां बची थी, औरतें बची थी, सभी को उन्होंने इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहा, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र आखिरी यदुवंशी, जिसका नाम था वज्र या वज्रनाभ, उनको उन्होंने इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित किया। और वो आखिरी ऐसे यदुवंशी थे द्वारिका के जिन्होंने राज किया, लेकिन भले द्वारिका में राज नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंद्रप्रस्थ के ऊपर राज किया। पांडवों ने यही वज्रनाभ को मथुरा का राजा भी घोषित किया था, ये बहुत लोग नहीं जानते। मथुरा का राजा घोषित पांडवों ने ही किया था वज्रनाभ को, और इसके कारण मथुरा का एक नाभ आज भी ब्रजमंडल है। आपको शायद ही पता होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जो पौराणिक मंदिर है, उसकी नींव यही उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने ही रखी थी, जिसके आज हम दर्शन कर रहे हैं। तो यही एक यदुवंशी था वज्रनाभ या वज्र, जिसको अर्जुन ने बचाया था और फिर से एक आखिरी यदुवंशी राज कर पाया। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।